हेलो एवरीवन, आइए देखते हैं आपके लव रिलेशनशिप के लिए कमिंग 24 आवर्स कैसे होंगे, आपकी एनर्जी अपने पर्सन के टुवर्ड्स कैसी रहेगी एंड आपके पर्सन की एनर्जी आपके टुवर्ड्स कैसी रहेगी। ठीक है, इस शफल डेक से लेंगे फर्स्ट कार्ड आपके पर्सन की तरफ एंड जो सेकंड कार्ड है वो लेंगे आपकी तरफ। आपकी तरफ जो कार्ड आ रहा है वो है स्ट्रेंथ का। आप अपने पार्टनर की तरफ कोई पावरफुल डिसीजन बना सकते हैं 24 घंटे के अंदर। जो चीज आपकी कमजोरी थी उसी चीज को आप ताकत बना के वही काम कर सकते हैं। आपको ऐसा फील हो रहा था कि आप अपने रिलेशनशिप में सिर्फ गिवर हैं, आप ही प्रोवाइडर हैं, आपकी वजह से ये रिश्ता रुका हुआ है, तो आप ही कोई ऐसा डिसीजन लेने ले लें जो एक रिस्क टेकिंग डिसीजन हो कि अब मैं ही नहीं करूंगा और जो हो सो देखा जाए। ठीक है, पावर फील करेंगे ना तो आप अपने आप को बेचारा नहीं समझेंगे। ठीक, दूसरा यहाँ पे ये भी नजर आ रहा है कि आप अपने रिश्ते में आपको बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ और करेज मिल सकती है। अगर आप बहुत ज्यादा टूटे हुए थे, बहुत ज्यादा अंदर से परेशान थे, सेपरेशन को लेके पार्टनर से बातचीत नहीं हो रही है, कोई क्लैरिटी नहीं है, तो आपको अपने अंदर बहुत ज्यादा हिम्मत फील हो सकती है, आपकी सेल्फ लव की एनर्जी हाई होगी। ठीक है, करेजियस होकर अपने आप को हील कर सकते हैं पास्ट के ट्रॉमास, बिट्रेयल्स को रिलीज करके। ठीक है, साथ ही साथ कुछ लोग 24 आवर्स तक के अंदर पार्टनर के ऊपर या पार्टनर के किसी दी हुई चीज की वजह से काफी ज्यादा मेमोरीज में रहेंगे। मेमोरीज कैसी, आपको जब दिया होगा ना वही समय याद आए, या अचानक से पार्टनर की कोई चीज आपके सामने आके कोई फोटोग्राफ आ जाए, कोई स्क्रीनशॉट आपके सामने दिख जाए आपको, जो पर्पजली आप नहीं निकालेंगे लेकिन निकलेगा कि आप उसे रिकॉल कर पाए। ठीक है, ये भी एनर्जी है। कुछ लोग आप में से पार्टनर को धमका सकते हैं जिनकी बातचीत होती है, ऐसे बोल सकते धमकाएंगे कहीं आप देख ले अपने पार्टनर को या कोई चीज आपके ही हाथ लग जाए, कि हमेशा ये सुनाते थे अब मैं इसे सुनाऊंगा ये सुनाऊंगी, तो आपके अंदर ना काफी ज्यादा शेर वाला बल रहेगा, काफी ज्यादा पैशन फायर आपकी एनर्जी में रह सकती है। बस ये है कि इस एनर्जी को सही जगह लगाइएगा, अदरवाइज चीजें आप खराब भी कर सकते हैं। ठीक है, पार्टनर और आप मिलकर कोई पेट खरीद सकते हैं। ठीक है, साथ में आप उसे रेस करें, ये भी यहाँ पे पॉसिबल है। आपके पोर्शन की तरफ है 7 ऑफ वॉन्ड्स, ये आपके साथ इस रिश्ते को कामयाब करने के लिए बड़ी सारी मेहनत कर सकते हैं, जतन कर सकते हैं। मेहनत कैसे, आपसे बात कर सकते हैं, ये कॉल मैसेजेस आपको आ सकते हैं। जो लोग इस रिश्ते को तोड़ना चाहते थे वहां पे अपना बेस्ट दे सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये भी एनर्जी है आपके पर्सन की कि पार्टनर आपकी तरफ कुछ क्रिएट कर सकते हैं। आपके पास तो स्ट्रेंथ दिख ही रहा है, इनकी एनर्जी में भी स्ट्रेंथ की ही एनर्जी है। बहुत ज्यादा रिस्क लेना, उन लोगों को अपने लाइफ से ये डिलीट कर सकते हैं, या बहुत सारे लोगों को फॉलो किया करते थे, बात किया करते थे, तो सबको अनफॉलो करते हैं। आपको प्रायोरिटी देने के लिए ये अपनी लाइफ से उन लोगों को निकालेंगे जिनकी इनको अब जरूरत नहीं है। अब ये पुराने फ्रेंड्स हो सकते हैं, इनकी चॉइसेस हो सकती हैं, इनके ऑप्शंस हो सकते हैं। ठीक है, आपके साथ इस रिश्ते में कुछ क्रिएट करने की एनर्जी है, जो क्रिएशन इनका अपना मैनिफेस्टेशन हो सकता है, जो ये चाहते थे वही आपके साथ क्रिएट करें। मिलने आ सकते हैं आपसे, आपको ऐसा फील हो कि यार इसकी एनर्जी में बेचैनी है, जैसे अब इसका मन नहीं लग रहा है मेरे बिना। ठीक है, तो यही यहाँ पे नजर आता है। कुछ लोगों के पार्टनर ऐसा भी बिहेव कर सकते हैं कि बहुत ज्यादा मेहनत करें और आपको बोल दें कि भाई मैं बहुत बिजी हूँ, आज तुम मुझे डिस्टर्ब मत करना, और आपको भी बुरा लग जाए कि यार देखना कैसे बोल गया या भूल गई, और मैं कौन सा उसको डिस्टर्ब कर रहा हूँ या कर रही हूँ। लेकिन ये आपको बोल सकते हैं, इनके ऊपर काम का बर्डन बहुत ज्यादा रहेगा। ठीक है, लगे ही रहेंगे, यहाँ भी जाना है, वहां भी जाना है, ये भी करना है, वो भी करना है, ये चीजें नजर आती हैं। तो ये थी आपके लव रिलेशनशिप की कमिंग 24 आवर्स तक की एनर्जी गाइस। होप इस रीडिंग से आपको गाइडेंस मिली होगी। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।